हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऋषभ टेक चेंजिंग द वे ऑफ अर्निंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं यार, कि पेपल में जो हमारा कैशबैक आ जाता है उसको हम कब और कैसे अपने मतलब बैंक में ले सकते हैं, तो वो ट्रिक मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, लाइक करना, शेयर करना। और जिंगवाय वगैरह नहीं, एक नई वेबसाइट बताऊंगा जिससे आपको बार बार मोबाइल नंबर और मेल आईडी वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही मोबाइल नंबर, एक ही मेल आईडी से आप अनलिमिटेड टाइम कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों, आपको सबसे पहले जो भी शॉपिंग करनी है उसके लिए आपको पैरेलल मतलब आपके जो भी होगा वहाँ पे आपको जाना है और पैसा वापस पे चले जाना है। पैसा वापस की डायरेक्ट लिंक मैं दे दूंगा। वहाँ पे जाओगे तो आपको 30 रुपीज़ उससे बोनस मिलेगा, उसका मैं यूज भी आप कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के इसमें ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे पेटीएम गिफ्ट कार्ड सर्च करना है। फिर जैसे कि मैंने पेटीएम गिफ्ट सर्च किया और यहाँ पे एक 200 का परचेज भी किया। तो चलो एक पहले ऐड करता हूँ, फिर सेकंड वाला भी ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे मेल पे तुरंत ही मेरे को मेल एक रिसीव हुआ कि 200 गिफ्ट कार्ड हैज़ बीन क्रेडिटेड, ऐसा कुछ करके पैसा वापस की तरफ से। तो बस इसको अब मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद, और ये पेमेंट मैंने पेपल के थ्रू ही किया है, आपको भी लाइव करके भी दिखाऊँगा। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको ऐड करना बता दे रहा हूँ, फिर सेकंड टाइम आप जिससे खुद कर लें। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, पेटीएम में बस जस्ट अपना पेटीएम एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना है। और उसमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस है यार, वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन कम से कम 60-70 कमेंट्स देखने के बाद मजबूरन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का कैशबैक जो 600 फार्मेसी वाला अटका हुआ है, तो उन्होंने कहा यार मेरा इसमें 600 अटका हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि 350 अटका हुआ है जो ये वाला था भाई, हटके वाला। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आप लोगों के लिए ये बना ही देता हूँ। और जो ये 600 और 350 मिलते हैं, जैसे कि जिस दिन आपको मिलते हैं उसके 5वें दिन, मतलब जैसे कि 1 तारीख को मिला तो आप 5 दिन बाद, मतलब 5 तारीख के बाद 6 तारीख को आप उसे यूज कर सकते हो। तो जनरली यहाँ पे अब आपको ऐड मनी सेक्शन में चले जाना है। ऐड मनी में जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों, आपको जैसे कि मेरे पेटीएम वॉलेट में भी 13 रुपीज़ हैं, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे 200 अमाउंट डालना है। हैवे प्रोमो कोड में जाना है, हैवे प्रोमो कोड में वही सेम प्रोमो कोड जो मैंने वहाँ से कॉपी करा था, इसी को अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, यहाँ पे देख सकते हो कि 200 कैशबैक क्रेडिटेड विद इन 24 आवर, ऐसा कुछ करके ये मतलब इंटरफेस आया। और यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा कैशबैक अभी ऑटोमेटिकली आपके सामने लाइव, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा 200 मतलब क्रेडिट कर दिया गया, तो 213 रुपीज़ मेरा बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आप भेज सकते हैं। लेकिन जिंगोय से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो 100 रुपये पे 5 रुपये देना पड़ता है, लेकिन पैसा वापस से करेंगे तो 100 रुपये पे 6 रुपीज़ देना पड़ेगा। यार 1 रुपये से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि 1 रुपये के बदले आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी से बचत हो जा रही है। तो चलो अब मैं फिर से सेकंड वाला करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्रोम ओपन करता हूँ और उसके बाद जैसे कि मेरा एक मंत्रा की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें 400 की शॉपिंग पे 400 कैशबैक था उस टाइम, तो वो वाला कैशबैक मेरा 1 मंथ कंप्लीट होने पे कंफर्म हो गया है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा, मतलब वही पेटीएम वाला प्रोसेस करूँगा। 1 सेकंड, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे पेटीएम ई गिफ्ट कार्ड, जैसे आप यहाँ सर्च आइकॉन से सर्च करेंगे, या मैं आपको डायरेक्टली लिंक भी दे दूंगा। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा आप माई सेल्फ लेना चाहते हो, मेरी मेल आईडी मोबाइल नंबर, इस तरह से कुछ मेंशन। अब आप पूछ रहा है कितने रुपये का लेंगे, 100, 200, 500 या कुछ भी, तो मैं 200 का सिलेक्ट करता हूँ। 200 का सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको करना क्या है, मेक पेमेंट पे आपको चले जाना है। मेक पेमेंट जैसे करोगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे इंटरफेस आ जाएंगे, तो मैं पेपल ही चूज करूँगा। और मैंने अभी वेबसाइट पे लॉगिन कर ही लिया था, उसमें मेरा 400 कैशबैक आया था, मैंने 2 उस पर कर लिया। तो अब यहाँ पे मुझे मतलब 12 रुपीज़ चार्ज लगे थे, मतलब 212 रुपीज़ लगा था, तो मेरा में भी 188 रुपीज़ बचा होगा, मुझे 24 रुपीज़ पेमेंट करने होंगे एक्स्ट्रा। तो कुल मिला जुला के अब यही जान लो, 400 लेने में आपके 24 ट्रांजेक्शन में भी। 1 सेकंड, हाँ तो दोस्तों आपको बता दूँ, जैसे कि 400 आपको पे करने में टोटल आपके 24 रुपीज़ चले जाते हैं। जैसे कि वहाँ पे क्या जिंगवाय पे क्या होता था, 400 लेने पे सिर्फ 20 चला जाता था, मतलब 380 रुपीज़ आपकी बचत होती थी। इस पे 4 रुपीज़ और जाता है बस, इससे कोई 2 रुपये, मतलब 100 पे 1 रुपये, तो मतलब 1% उससे ज़्यादा है, कोई खास डिफरेंस नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो 5 रुपये लेता है या 6 रुपये लेता है पैसा वापस। तो बस इससे होता क्या है दोस्तों, उसमें आपको बहुत ज़्यादा झंझट होती है यार, मोबाइल वेरीफाई करो, और जिस मोबाइल और
मेल आईडी से एक बार कर लिया, उससे दोबारा पेपल में नहीं कर सकते, मतलब सेम पेपल होना चाहिए, अकाउंट बार बार नहीं चेंज कर सकते, तो उन सबसे बहुत ही मतलब बढ़िया ही है। एक बार 212 मैंने स्पेशल ऑफर यूज करके किया था, अब देखिए सेकंड टाइम ऑटोमेटिकली मेरा 188 जो INR स्पेशल ऑफर में बचा था वो अप्लाई हो गया। अब मुझे सिर्फ 24 रुपीज़ अपने मास्टर कार्ड एयरटेल पेमेंट बैंक का कार्ड है फिर बता दूँ उसी से पेमेंट करना है। और आप लोग बहुत सारे लोग ये करते हो यार, मैंने एयरटेल से क्रिएट किया और कर दिया, आप लोग जो है खुद सेल्फ क्रिएट करके एयरटेल से कभी मत करना यार। वो जो लोग जाकर के YC करवा के एयरटेल पेमेंट बैंक खुलवाते हैं उनके कार्ड से सिर्फ जो है मतलब ये मिलता है। तो मैं CVV डाल के यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ दोस्तों। हाँ तो फ्रेंड यहाँ से मैंने पेमेंट कर दिया और देखिए फिर से मेरा मतलब यही कह रहा है सेम चीज़ कि आपके मेल पे मतलब वो भेजा गया है। तो चलो फिर से हम उसके देख लेते हैं और देखते हैं कि हमारा आया है कि नहीं आया। तो टोटल अब यही जान लो 400 लेने में 24 लग गए, कोई दिक्कत नहीं है यार। फिर भी 400 का सामान अगर हमें 24 रुपीज़ में मिलता है तो कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है। बट ऐसे लूट ट्रिक्स पाते रहने के लिए आपको यहाँ पे चले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अब यहाँ पे देखिए फिर से मेरा मैसेज आ चुका है और इंस्टेंटली आपके सामने लाइव दे रहा है, मतलब अभी आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। अब ये देखिए पेटीएम का फिर से मेरा 200 RS का गिफ्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है और काफ़ी लंबी इसकी एक्सपायरी भी रहती है 2020 तक। तो फटाफट मैं फिर से इसको ऐड कर लेता हूँ अपने पेटीएम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों फिर से मेरा कैशबैक ऐड हो गया और यहाँ पे 413 रुपीज़ मेरे बैलेंस हो गए। तो बहुत ही बम्पर लूट है। अब पेटीएम में ऐड हो गया मतलब बैंक में ऐड हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आप लोग अपना सारा प्रोसेस जानते ही हैं। अब ये थी ट्रिक दोस्तों की, जो कि मतलब जिंगॉय से अलग वेबसाइट है और बेहतरीन वेबसाइट है, सिर्फ 1 रुपये ज़्यादा है, कोई खास नहीं है। तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साइनअप करने की, तो वहाँ से जाकर के इसको साइनअप कर लेना और उसके बाद यहाँ से ट्रांजेक्शन आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों अभी कुछ बेहतरीन ऑफर्स हैं जो मैं लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए वेट करना। 500 रुपीज़ का कैशबैक उस पर ऑफर है तो वो लेके आऊँगा दोस्तों। बहुत ही बम्पर लूट है ये, तो आप लोगों के लिए मतलब बना दिया। और जिन जिन लोगों ने इन सबको कैशबैक को यूज किया था लिया था इस तरह से कुछ, वो उसे निकाल सकते हैं और पेपल से। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं मतलब पेपल वाले बैलेंस से अमेजॉन फ्लिपकार्ट इन सबका वाउचर ले लूं तो आपका एक भी चार्ज नहीं लगेगा। जैसे कि मान लो आपने 600 का फार्मेसी से शॉपिंग किया था, 600 का आप अमेजॉन का वाउचर लेते हो तो 600 में 600 का अमेजॉन का वाउचर मिल जाएगा, आपको 1% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ पेटीएम के वाउचर पर ही टैक्स देना पड़ता है। तो बम्पर लूट है दोस्तों, जिंगॉय से बेस्ट है और जो है आपको मेरे हिसाब से अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।